गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बच्चे आज अच्छी जो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है फाइव पॉइंट टू बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है आई होप कि एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन तुम वजिए तरीके कर ली होएगी पर फिलहाल मैं जो मैंने नोटिस आई गल कि हले भी बहुत सारे बच्चों वेदत ने कि इंटीजरसू एड किना और सैन कढ़ा है सैन बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ਸੋ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਫਰਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ A ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ -7 0 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 0 ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਚਾਹੇ 0 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸਰ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 7 ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ इतने टू हंड्रड सैवनटी टू में जीरो ना नीरोड किया तो आंसर टू सैवन जीरो टू ही आएगा ठीक है सो so बच्चों अगर असी आंसर लिखना चाहिए तो ये आंसर से मैं लिखागा आंसर इज माइनस सैवन ठीक है बच्चे इस तरह देखो इतने भी जीरो ऐड है जीरो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आंसर की आएगा नाइन क्योंकि कोई फर्क नहीं पैना जीरोड कर ठीक है उस देख रहे हो भी आंसर माइनस सैवनटीन ही आएगा क्योंकि जीरो के नड कर कोई फर्क नहीं पै रहा सो so, इत भी आंसर कि आएगा इतने भी आंसर आएगा फिफ्टीन ज़ीरो कोई फर्क नहीं पै रहा ठीक है बच्चे इस तरह देखो सी पार्ट है और एफ पार्ट है सी पार्ट और एफ पार्ट के बच्चे की आएगा देखो माइनस थर्टीन प्लस जीरो है ना जीरो ना कोई फर्क नहीं पैना तो आंसर कि आएगा माइनस थर्टीन दूजे च की है इतने भी माइनस सिक्सटीन आप जीरो ने ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर आएगा माइनस सिक्सटीन ठीक है बच्चे <coughs> इस तरह बच्चे हम देखा असी सैकेंड पार्ट सैकेंड पार्ट की है साढ़े को फेर फिलन द ब्लैंक क्लियर फिल इन द ब्लैंक सेकंड पार्ट माइनस सैवन एंड प्लस सैवन ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ -7 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +7 ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ -7 +7 ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ वो हमेशा जीरो हो जाता है क्योंकि नंबर दोनों सेम ने पर साइन ओपोजिट ने तो वह क्यों हो जाएगा जीरो हो जाएगा जिमें माइनस टू न अगर मैं प्लस टू में एड कराँगा तो आंसर की आएगा जीरो क्योंकि नंबर सेम ने और उन्होंने साइन की है डिफरेंट ने ओपोजिट ने ठीक है बच्चे ओपोजिट साइन मतलब की है प्लस का ओपोजिट की हों बच्चे माइनस और माइनस का ओपोजिट की हों प्लस यह गल हमेशा याद रखनी है तुसी उस तो बाद देखो बच्चे एदा भी आंसर की आना चाहिए एदा भी आंसर की आना चाहिए जीरो क्यों आंसर जीरो आना चाहिए क्योंकि इतने थ्री है और इतने प्लस माइनस इतने माइनस हो जाएगा ना थ्री माइनस थ्री हो जाएगा क्योंकि तो दस जीरो प्लस और माइनस कट्ठे आने गए तो बनेगा जीरो बनेगा सो आंसर क्या आएगा साढ़े को जीरो ठीक है बच्चे उस तो बाद एदा भी आंसर क्या आएगा जीरो आएगा यह आंसर क्या आएगा जीरो आएगा क्यों आंसर जीरो आएगा यून लो क्यों जीरो आएगा तू समझा दिता हम तुम इधर देखोगे इधर भी तोड़ा आंसर की आएगा तो आंसर की आएगा एक यदा साइन नैगटिव है इधर पॉजिटिव है नंबर सेम ने तो आंसर क्या आएगा जीरो क्लीयर आंसर क्या आएगा जीरो भी आंसर क्या आएगा जीरो क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह नैगटिव है ठीक है so, सो इस तरह यद आंसर की आएगा बच्चे यद आंसर क्या आएगा जीरो जीरो आंसर आएगा क्योंकि यह नैगटिव है और पॉजिटिव है सो बहुत ही आसान है ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 8 ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 8 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 8 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 8 ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੇਗਾ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਕਪਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ इस तरह इतने देखो हूँ इतने मेरे को माइनस ट्वैल्व तो है तो मैं इतने ट्वैल्व अगर लगा दा तो मेरे को पॉजिटिव ट्वैल्व बन जाएगा सो माइनस ट्वैल्व और प्लस ट्वेल्व मेरे को जीरो बनेगा 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 ना सो दैट्स सिंपल उस बाद, हाँ दिस इज ऑलसो इंपोर्टेंट हम देखो, देखो इतने नाइनटीन है और इतने सैवनटीन है नाइनटीन पॉजिटिव है और 17 की है ए, 7 की है नेगेटिव है नाइनटीन एंड माइनस सैवन सॉरी सो इत की आना था मेरे को इतने मेरे को माइनस सैवन आना चाहिए फिर ही दोनों साइड्स की होगी बराबर क्योंकि 19 चो सैवन माइनस करा आप वाइट बोर्ड से चलते हैं देखो नाइनटीन नाइनटीन और माइनस सैवन कि बच्चे इट इज़ ट्वेल्व है ना ट्वेल्व होएगा कह रहे हो उइनटीन एंड माइनस सैवन तो नाइनटीन विच अगर तुम दूसरी साइड उत्ते रख चलोगे इतने माइनस सैवन ले लो और इतने प्लस नाइनटीन कर दोगे तो ते को फिर भी ट्वेल्व आंसर ही आएगा ठीक है सो so, इस करके असं लिख सकते हैं नाइनटीन प्लस माइनस सैवन और इतने उन्हें फिलपस पाई है इतने प्लस नाइनटीन लिखे तो यह फिलप आप भरनी सी है ना इन आप इतने फिल करना है सी तो इतने मैं फिल की कराँगा माइनस सैवन की फिल कराँगा माइनस सैवन ठीक है यह क्वेश्चन से बहुत ही आसान है तो देखना किंबर मिस है सो मिस आप फिल कर देंगे ਕਵੈਸਚਨ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ ਪਾਰਟ ਕੋ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ -2 ਹੈ ਔਰ +3 ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ 3 ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਐ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -2 ਲਗਾ ਦਿਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਪੱਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਐਮਐਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖੋ 47 23 ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 47 ਹੈਗਾ -23 ਹੈਗਾ 11 ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਇਧਰ ਤੇ Uh, देखो मैच करो कि चीज़ हैगीवन इतें है यस इथे भी गा इलेवन इतें इते so, है यस इलेवन इतेंगा सो कि चीज़ मिस है माइनस ट्वेंटी थ्री उत्तर रख दो माइनस ट्वेंटी थ्री बस दैट्स ऑल क्लीयर जड़ी चीज मिस है वह बस फिट कर दी तो बाद साढ़े एफ पार्ट एफ पार्ट एफ पार्ट देखो इतने टेन है इतें भी टेन हैगा इत माइनस इलेवन है इत माइनस इलेवन है सो so, कि चीज़ मिस है क्लीयर वो अभी देखा वह है माइनस ट्वेंटी वन वो असी फीड कर देंगे सो लैफ्टाइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साढ़े को आ जाएगी ठीक है बच्चे बस इन्हें इतने काम करना इस तो बाद नहीं करना ठीक है बाद तो करना फिलहाल है बहुत है अब वास्ते वास्ते तो फाइव पॉइंट टू तुम्हें कर सकते हो अगर दिक्कत है एक्स एक्स फाइव पॉइंट एक मैं क्वेश्चन करवाना चाहवा इन टीचर्स को लैके जो पिछले लैक्चर ना संबंधित है देखो बच्चे माइनस टू प्लस फाइव प्लस माइनस सैवन एंड प्लस नाइन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ 2 ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਸੀ ਸੋ ਨੈਕਟਿਵ ਨੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ -2 اور -7 ਨੂੰ اگر ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ -9 ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਗੇਟਿਵ ਸੀ ਹੈ ਐਨੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ 5 اور 2 ਸੋ +5 ਐਡ +2 ਸਾਰ ਟੋਕਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ +7 ਫਿਰ लास्ट ਇਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏਗਾ -9 7 ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 7 ਔਰ 9 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਓਨਲੀ 2 ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਨ ਕਿਡਾ ਲਵਾਂਗੇ -3 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਹੈ 9 ਦੇ ਦਾ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜੇ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ माइनस टू प्लस सेवन प्लस इलेवन एंड प्लस माइनस सिक्स पहले आपफाई कर लिए सिपलीफाई करा तो क्या आएगा माइनस टू है प्लस सैवन प्लस इलेवन ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्योंकि दो साइन कट्ठे ने सो हम माइनस वाले कि अगर आप माइनस वाले चैक करिए सा माइनस वाले आने गए माइनस वाला और माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला माइनस टू और माइनस सिक्स साढ़े को बनेगा बच्चे माइनस एट क्लियर प्लस वाला के प्लस वाला सेवन प्लस इलेवन सेवन प्लस सेवन एंड इलेवन प्लस वाले दोनों कि बनेगा एटीन एटीन बनेगा प्लस वाला हूँ इतना डिफरेंस चेक करना असं डिफरेंस कि चेक करना प्लस एटीन का और माइनस एट का ਤੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ 18 ਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 10 ਹੁਣ 10 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ 10 ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਔਰ 10 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ 8 ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਪਲੱਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਸਵਾਸ ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ